तो जहाँ एक तरफ पूरे देश भर में छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है, वहीं अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर यमुना नदी की जो स्थिति है वो हम सभी हर साल देखते हैं। इस साल भी यमुना नदी बिल्कुल गंदी पड़ी हुई है और इस बार अब देखना ये होगा कि यमुना नदी की सफाई आखिर कब तक होती है। कालिंदी कुंज के पास पानी में देखा सफेद झाग, महापर्व छठ के दौरान श्रद्धालुओं को हो सकती है परेशानी। हालांकि हर बार इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं, दिल्ली में एक बार फिर से यमुना नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कालिंदी कुंज के पास पानी में सफेद झाग देखा गया है जो कि सेहत के लिए काफी हानिकारक है और हर एक व्रती के लिए भी ये काफी ज्यादा हानिकारक। देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से सफेद झाग देखने को मिल रहा है, मानो जैसे दूध उबल रहा हो। लेकिन इस सफेद झाग को आप दूध मत समझिए, ये वो जहरीला और गंदा पानी है जो आपके सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन साथ ही आपके पूरे शरीर के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि बैक्टीरिया से भरा ये पानी, वायरस से भरा ये पानी, 2 साल बाद जब कोरोना काल से राहत मिली है तो ये पानी जिंदगी के लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा गंदा और आपके सेहत के लिए बहुत नुकसानदायी हो सकता है। देखना यह होगा दिल्ली सरकार इसको लेकर क्या तैयारी करती है, क्योंकि देश भर में महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और अब इन तस्वीरों को क्या दिल्ली सरकार बदल पाएगी, क्या यमुना नदी का पानी साफ हो पाएगा, या हर साल की तरह मन में यही सवाल रह जाएगा कि इसी सफेद पानी के बीच खड़ा होकर छठी मैया को अर्घ देना है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि अगर हर साल इसी तरह की तस्वीरें रहती है तो आखिर इन तस्वीरों को बदलने की कोशिश सरकार की ओर से क्यों नहीं की जाती। आखिर हर बार जब महापर्व छठ पूरे देश में, यहां तक कि विदेश में भी मनाया जाता है, तो आखिर देश की राजधानी दिल्ली के हालात ये क्यों है, आखिर यमुना नदी के हालात ये क्यों है। जब यमुना नदी को भगवान कहा जाता है और काफी श्रद्धालु इसकी पूजा भी करते हैं, शुद्ध पानी माना जाता है, चाहे वो गंगा का जल हो चाहे वो यमुना नदी का जल हो, फिर इस यमुना नदी में इतनी गंदगी क्यों। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो